अमरीश शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इतनी चर्चाएं हो चुकी हैं कि अब चर्चा करने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जहां प्रदेश में आदर्श चुनाव संहिता लगने में करीब 6 महीने का समय बचा है, तो उम्मीद की जा रही है कि लोगों को जातीय गुणागणित के आधार पर पर्यटन मंत्री बनाया जा सकता है। पर्यटन मंत्री का मतलब पर्यटन विभाग के मंत्री से बिल्कुल ना निकालें। इसका मतलब ये है कि इस समय जो मंत्री बनेंगे उनका कार्यकाल आने जाने में ही समाप्त हो जाएगा। विभाग को लेकर तो पहले भी सुना गया है कि इस सरकार में ज़्यादा मंत्रियों की चलती नहीं है, सब अधिकारी ही करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 4 NLC भी मनोनीत किए जाने हैं। बातें तो यहाँ तक कही जा रही हैं कि जो MLC मनोनीत किए जाएंगे उनमें से ही कुछ लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा जितिन प्रसाद की चल रही है। एक तरफ जहाँ जितिन प्रसाद के बहाने ब्राह्मण वर्ग को साधने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इस देश में बराबर के हिस्सेदार हैं। हालांकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कद 2014 के बाद यूपी में लगातार कम होता गया, जहां 2014 में भाजपा के भारी बहुमत से जीतने के बाद में भाजपा प्रदेश प्रभारी अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, तो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी किनारे होते चले गए। अब ऐसा माना जा रहा है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को लेकर भी चर्चाएं काफ़ी तेज हैं। केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह ना मिलने पर अब ऐसा कहा जा रहा है कि संजय निषाद को MLC बनाकर मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। वहीं बसपा छोड़कर आए रामचंद्र प्रधान और भाजपा के प्रदेश महामंत्री JPS राठौर को भी MLC बनाया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य मंत्री स्वाति सिंह के पति और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह का भी नाम MLC बनाने की रेस में शामिल है। ये बात तो तय है, अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो जात और क्षेत्र को ध्यान में रखकर होगा, और इस बात की भी संभावनाएं कम हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरह प्रदेश में भारी फेरबदल हो सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष में भाजपा किसी भी बड़े नेता को नाराज नहीं करना चाहेगी। ऐसे में ब्राह्मण चेहरे को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाएं हैं, क्योंकि भाजपा का सबसे मजबूत वोट बैंक उससे खिसकता हुआ नजर आ रहा है, तो बसपा पूरी तरह से ब्राह्मणों को लुभाने की कवायद कर रही है। ऐसे में जितिन प्रसाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और AK शर्मा में कौन मंत्री की कुर्सी तक पहुंचेगा, उसमें अब थोड़ा ही इंतजार बचा है। बहरहाल ऐसी पूरी उम्मीद है कि इस माह के अंत तक प्रदेश के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे जरूर दिखेंगे, तो कुछ को अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने की सलाह देकर मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।